भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। नमस्कार, आज की इस पॉलिटिकल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि क्यों चुनाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में कांग्रेस ने कमान सौंपी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए जींद उपचुनाव में अपने धुरंधर नेता रणदीप सुरजेवाला की करारी हार झेल चुकी कांग्रेस के पास इस लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर कोई सेनापति नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो गुटों में बटी कांग्रेस में सबसे बड़ा गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने यह जिम्मेदारी देने के साथ ही हुड्डा से यह भरोसा भी लिया है कि वे अन्य गुटों को साथ लेकर हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बनाएंगे और पार्टी को हरियाणा में जिताकर भेजेंगे। सभी कांग्रेसी गुटों को एकजुट करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बस डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे और सभी कांग्रेसी नेताओं को एक ही बस में बैठाकर पूरे हरियाणा का भ्रमण कराएंगे। आइए देखते हैं इस मौके पर क्या बोले हुड्डा। हुड्डा साहब नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद हुड्डा साहब। सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं वॉइस ऑफ फ्रीडम की ओर से। आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी तो खैर पुरानी है, कांग्रेस को एक करने का कैसा प्रयास रहेगा? कांग्रेस एक है लगातार। जो अभी हमारी मीटिंग थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और वहाँ हमने फैसला किया है 23 तारीख को तो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा दिल्ली में, और 26 से 5 दिन की यात्रा हम सब इकट्ठे करेंगे। आज़ाद साहब, गुलाम नबी जी हमारे साथ होंगे, और बीच में जैसा भी समय होगा कांग्रेस अध्यक्ष भी आएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम पूरे सब जिलों को हम 22 जिलों में जाएंगे। कोई रथ की योजना बनी है, कोई बस चलाने की योजना बनी है? सब इकट्ठे जाएंगे, एक बस के साथ सब लोग इकट्ठे। साहब कैसे उम्मीदवारों का को टिकट मिलेगा? मजबूत उम्मीदवारों को, जो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे उनको मिलेंगे। किसको मिलेंगे? अभी किसी का नहीं, तो अभी कोई तय नहीं है, लेकिन वो सब हाईकमांड का काम है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको। सर, इलेक्शन के लिए क्या कांग्रेस किसी से गठबंधन करेगी? किसे? किसी भी सरकार से गठबंधन करेगी? हरियाणा में कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, कोई जरूरत नहीं है। बाकी राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई बात होगी तो अलग बात। भाजपा का इनालो से गठबंधन आपके लिए कितना नुकसानदायक है? कोई नुकसानदायक नहीं, गठबंधन का कोई नुकसानदायक नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सक्षम है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, किस तरह से निभाएंगे उसको? पहले भी निभाइए। सर्वे में करंट दलाल आगे चल रहे हैं उतार बढ़ाना से, क्या करंट दलाल को टिकट मिल सकती है? देखिए जो भी है, क्यों नहीं मिल, क्यों पार्टी देखेगी, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको पार्टी टिकट देगी। कल हुड्डा को आलाकमान ने जिम्मेदारी सौंपी और आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य लखन कुमार सिंगला अपने समर्थकों के साथ हुड्डा के दिल्ली निवास पर जा पहुंचे और फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। कल कमान सौंपी गई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जरूरत थी हरियाणा प्रदेश की, 36 बिरादरी के लोगों की जरूरत थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मजदूर कर्मचारी किसान और व्यापारी और उद्योगपति की जरूरत थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, बड़ी कांग्रेस, NSCI, इनको सबको जरूरत थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी का कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया गया है, एक हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऐसा नया संचार पैदा हुआ है कि आप देखना आने वाले लोकसभा चुनावों में हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रहनुमाई में हम सरकार बनाएंगे।